जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दर्शक से गौतम रत्ना और आज हम खड़े हैं अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन को लोग सेलिब्रेट करने आते हैं। यहां पर एक स्टॉल है भीम आर्मी का और भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं अभी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुरैशी है। मैं सिकंदर कुरैशी साहब पेशे से अधिवक्ता हूँ और दिल्ली प्रदेश के अंदर सह संयोजक की स्थिति में भीम आर्मी। सिकंदर कुरैशी साहब, मैं मेरा एक सवाल बड़ा खतरनाक है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो एक ट्रेंड चला है खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो यूथ है वो आज अपने आप को चमार जाटव गर्व से कहलाना महसूस मतलब गर्व से कहलाना बहुत ज़्यादा वो समझता है कि मुझे बहुत इज्जत मिलेगी इसमें। और ये परसेप्शन ऐसा कहा जा रहा है कि ये चंद्रशेखर रावण जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया, इसको आप जायज़ मानते हैं, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं इसको बिल्कुल नाजायज़ बेबुनियाद मानता हूँ। ये आप देखिए, जितने भी बहुजन आंदोलन देश के अंदर शुरू हुए उनको दबाने के लिए जितनी देश के अंदर मनुवादी ताकतें हैं वो एन कैन प्रकरण उपायों से इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास करती हैं और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके, शब्दों के जालों में फंसा करके उनको गुमराह करके इस आंदोलन से अलग करना चाहती है। हकीकत तो यह है कि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज है, जिसकी तादाद इस देश में 85% है, वो हजारों वर्षों से इस देश के अंदर अपनी अस्मिता के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। और वो जब भी उसकी लड़ाई पीक पर आती है, उरूज पर आती है, तो इन ताकतों का, ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये विचलित हो जाती हैं और इस विचलन में ये इस तरह के बयानबाजी करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। हकीकत तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था का समूल नाश करना चाहते हैं, उसको जड़ से मिटाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ये बिगुल बजाया है। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं, यूथ इस बात को कहता है और मैं इसको बहुत गलत इसलिए भी मान रहा हूँ मैं तो, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि जितना जल्दी जो बहुजन में जो पार्ट है SC ST OBC का, वो जितना जल्दी हिंदुज्म को छोड़ देगा उतना जल्दी उसकी बुद्धि का विकास होगा और उसका आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से वो विकास होगा उसका। तो ये जो यूथ है वो आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं, हमारे चंद्रशेखर रावण भाई का यही संदेश है और हम इसी पे चलने का काम कर रहे हैं आज। ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ पूरे देश, ये संदेश कह सकते हो आप इसको, ये संदेश नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक विचारधारा है। नहीं नहीं, मैं जाति की बात कर रहा हूँ, जातिवाद पर बार-बार जाति को जो मजबूत किया जा रहा है उससे हिंदुत्व मजबूत होता है, जातिवाद को मजबूत, जाति हिंदुत्व में होती है, बुद्धिज्म में नहीं। मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि जातिवाद को मजबूत नहीं किया जा रहा, यहाँ जातिवाद को तोड़ा जा रहा है। और जब जब जातिवाद को तोड़ने के आंदोलन इस देश के अंदर हुए, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जिसका वर्चस्व इस देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था के आधार पर ही स्थापित रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सभी आंदोलनों से विचलित हो जाती है और इस विचलन के अंदर वो इस तरह के प्रयास करने शुरू करते हैं जिससे ये आंदोलन दब जाए, ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं बैठ जाए या इनका बायकॉट सामाजिक तौर पर कर दिया जाए। ये इस तरह का प्रयास, इस तरह की ताकतें बीजेपी RSS के लोग करते हैं इस देश के अंदर। अच्छा सर, दूसरा जिस तरह से हम और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्योंकि हम लोग मीडिया में काम कर रहे हैं तो इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस पर हम सोचते भी हैं और बहुत सारे, मेरा तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, मैं बहुजन महापुरुषों के सारे इतिहास को मैं पढ़ाऊँ, 2 साल तक तो मैं ऐसे बंद कमरे में बैठ करके पढ़ाऊँ। तो आज जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल की मास्टर की जो बात साहब काशीराम करते थे, वो कैसे आपके बहुजन को मिल सकती है जब आप कई संगठनों में, कई राजनीतिक पार्टियों के रूप में आप फाइट कर रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके यार हर इलेक्शन में? आपका ये क्वेश्चन, चाहे वो बसपा के रूप में हो, चाहे वो बहुजन अघाड़ी के रूप में हो महाराष्ट्र में, चाहे वो भीम आजाद समाज पार्टी हो, ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे वो जनता उसका लालू प्रसाद की पार्टी हो, तो फिर आपके हाथ में पॉलिटिकल की मास्टरी कैसे आ सकती है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपने ये सवाल करें, 3-4-5 क्वेश्चन आपने एक साथ कर दिए इसके अंदर, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो आंदोलन शुरुआत करी थी जिस जातिवाद व्यवस्था को तोड़ने के लिए, आज वो आंदोलन कहीं ना कहीं अपनी धार खो चुका है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है
कि देखिए एक हम जो स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने अस्मिता और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई जो बहुजन समाज इस देश के अंदर लड़ रहा है, उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये समय के साथ और एक लंबे संघर्षों के बाद हमें प्राप्त होता है, जो जो जिसकी शुरुआत बाबा साहब ज्योतिबा फुले और तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई। बाबा साहब ने जिसको एक तेज धार देने का प्रयास किया और माननीय काशीराम साहब ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और देश के अंदर एक बहुजन आंदोलन को खड़ा करके दिखाया इस देश के अंदर। उसके बाद बहुजन लोगों की इस देश के अंदर पूछ होने लगी। लेकिन समय के साथ साथ राजनीतिक जो है, कहते हैं कि राजनीतिक जड़ों में मठा डाल देती है। कई बार राजनीतिक व्यवस्था के कारण आदमी अपने उस आंदोलन को भूल जाता है, अपने उस मिशन को उससे भटक करके और अपने राजनीतिक स्वार्थों की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर बाबा साहब जैसे लोग और माननीय काशीराम साहब जैसे लोग कमज़ोर होते हैं। ये हमने देखा देश के अंदर। पीछे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहन जी जो जिन्होंने इस धार को कहीं ना कहीं कुंद करने का प्रयास किया और बहुजन और दलित समाज जो खासकर बहुजन समाज, मुस्लिम दलित जिसके अंदर विशेष तौर पर मैं नाम लेकर के कहूँगा दलित और मुस्लिम समाज, जो अपने आप को जिन्होंने इस 8-9 वर्षों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, तो वो समय आने पर इसका जवाब देते हैं। लेकिन वो इस टाइम विचलित हैं और इतनी जल्दी उनका भरोसा जो ये टूटा है, इसको दोबारा से स्थापित करना इतना आसान किसी भी बहुजन नेता के लिए आसान नहीं है, मुश्किल है। आपकी रावण भाई से बात होती है कभी? हाँ बिल्कुल होती है। कितने दिन में बात हो जाती है? बिल्कुल, वो स्वाभाविक नेता है और उनका मैं एक अभी, अभी एक बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूँ और उस चैनल के माध्यम से पूरा देश देखेगा। अगर आपने रावण तक नहीं पहुँचाया तो चैनल के माध्यम से पहुँचना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहुँचाएंगे। मैं बता देता हूँ वो ऐसा, मैं अभी सवाल करने वाला हूँ। जब मैं उनको देखता हूँ, जब वो समाज के जहाँ अत्याचार होता है, जिस परिवार पर, पीड़ित परिवार से जब वो मिलने जाते हैं, तो एक सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि आपको स्टेब्लिश होना तो लोगों के बीच जाने के लिए एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। हम भी वही काम कर रहे हैं और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब मैं उनका देखता हूँ, 100-200 गाड़ियों का जो काफिला चलता है, अगर 500 किलोमीटर कोई इंसान जा रहा है गाड़ी चला करके किसी को जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए, तो एक गाड़ी के अंदर 10,000 का पेट्रोल खर्च होता है। अगर 200 गाड़ियों का काफिला जाता है तो 20,00,000 का पेट्रोल खर्च होता है। लेकिन जिस परिवार से मिलने जाते हैं वो, वहां पर मैंने उनको कभी आर्थिक रूप में सहायता करते नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आपको जस्टिस कब डिलीवर होगा? आपने थाने में FIR करा दी, आपके प्रेशर से हो गई, मेरे एक फोन पे हो जाती है। पूरे देश में काम कर रहा हूँ मैं अकेला, बिना संगठन के कर रहा हूँ। लेकिन आपको जस्टिस कहाँ मिलेगा? कोर्ट में जाके मिलेगा। जस्टिस तो कोर्ट से ही फाइनल होगा ना सर, या तो FIR होगी, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जब कोर्ट में अगर आपके पास में अच्छा वकील नहीं है तो आपको जस्टिस, वहां के जो जज हैं, उसको पलट करके दूसरे जो गुनहगार है उसको छोड़ने का काम करते हैं। मेरी एक सलाह है कि अगर वो अपना काफिले में थोड़ा खर्चा कटौती करके और जिस परिवार से वो मिलने जाते हैं, अगर उसको आर्थिक रूप में सहायता भी देने का काम शुरू करें, तो एक तो वो परिवार अच्छा एक वकील कर लेगा और जब अच्छा वकील कर लेगा तो वो कोर्ट के अंदर अच्छे से फाइट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलने की ज्यादा उम्मीद मिलती है। आपका क्या कहना है? या मेरी सलाह जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और जो सलाह दे रहा हूँ गलत है तो आप गलत बोलिएगा चैनल के सामने, अगर सही है तो इसको पहुँचाने का काम करिए। नहीं, मैं आपके सवालों से कुछ हद तक तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसा आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद साहब काफिले के साथ लगते हैं, भाई देखिए ये एक मनुवादी सोच का परिचायक है। जब एक दलित का बेटा काफिले के साथ चल रहा है, गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो बहुत से लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है इस देश के अंदर। मैंने सर उसको उसके लिए मना नहीं किया, मैंने कहा जाए बेशक जाए, मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा खर्चा कम कर। 8,000 करोड़ का जेट लोग खरीद सकते हैं, 10,00,000 का सूट पहन सकते हैं, ठीक है जी, और देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं और लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए कहते हैं कि जी मैंने तो सारी जिंदगी 35 साल तो मैंने चाय बेची इस देश के अंदर। तो ये देश इतना बेवकूफ नहीं है, लोग समझ रहे हैं, लोग संघर्षों को भी समझते हैं और बलिदानों को भी समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद संघर्ष और बलिदान की एक एक ऐसी प्रतिमूर्ति है जिसको देश का बहुजन समाज बहुत अच्छी तरह समझ रहा है और उनके नेतृत्व में चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरी पिछली मुलाकात भाई चंद्रशेखर आजाद साहब से किराड़ी मामले को लेकर के हुई थी। किराड़ी के अंदर जिस लड़की दलित बेटी थी वो, उसको जिस तरह से गाड़ी से घसीट करके मार दिया गया था, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब उस प्रकरण में पहुंचे थे और वहां पर उनके पहुंचने के बाद ही पुलिस पर दबाव बना था, अन्यथा FIR किन्हीं और धाराओं के अंदर कर दी गई थी। जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस थी उनके अंदर FIR भी नहीं हुई थी। उनकी उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद
पुलिस भी हरकत में आई, प्रशासन भी हरकत में आया और सरकार भी हरकत के अंदर आई और एप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनको फिर नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें थोड़ा सा अपने इस वाले खर्चे को थोड़ा कम करके उस परिवार को आर्थिक सहायता देने का काम भी करें तो वो ज्यादा अच्छा उसके लिए होगा, क्योंकि कोर्ट बाद में कोर्ट में आप नहीं जाएंगे। मैं समझ गया, कोर्ट में आप कहाँ कहाँ जाएंगे, उसका 20 साल केस चलेगा तो उसी को लड़ना है। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल्स हर स्टेट के अंदर है, दिल्ली प्रदेश के अंदर भी है लीगल सेल जी, और हर स्टेट के अंदर लीगल सेल है, हमारे राष्ट्रीय सेल भी है, और जो भी पीड़ित होता है जिसको जरूरत होती है उसको हम निस्वार्थ रूप से निशुल्क उसको लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप करके तू हासिल, फिर पढ़ लिख आया लौट कर, 32 उपाधियों का मालिक, 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता, जो धर्म बताए जात तेरी, तुझको वो धर्म नभाता। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया, शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो, कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो, भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान, औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। जय भीम जय भीम जय भीम बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम जय भारत जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।